नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक और मैं हूं अंजलि भंडारी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज 42वां जन्मदिन है। महज 38 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने वाले अखिलेश यादव ने बहुत ही कम वक्त में प्रदेश की तस्वीर ही बदल दी है। अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही प्रदेश में विकास की रफ्तार न सिर्फ पटरी पर आई है बल्कि तेज रफ्तार से दौड़ने भी लगी है। आज हम अपने खास कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे और इस खास चर्चा में हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा स्टूडियो में यशवीर सिंह जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ लखनऊ से भी मंत्री जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के शिव प्रताप यादव, और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जी। सभी मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या किस तरह से अखिलेश यादव अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो चलिए करते हैं अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत अपने सभी मेहमानों के साथ। तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में अपना 3.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन इस दौरान जिस तरह से उन्होंने यूपी की विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया है वो काबिले तारीफ है। आइए आपको भी दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ तरक्की हुई है उत्तर प्रदेश में सीएम अखिलेश यादव के कार्यकाल में। मुलायम सिंह यादव के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के सपने को उनके बेटे और यूपी के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूरा करने में बखूबी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अखिलेश यादव के यूपी की कमान संभालते ही यूपी में विकास की रफ्तार न सिर्फ पटरी पर आई बल्कि तेज रफ्तार से दौड़ने भी लगी। ये सब मुख्यमंत्री अखिलेश की कोशिशों का ही नतीजा है। यूपी में कारोबार करने से डरने वाले बड़े बड़े उद्योगपति भी अब बेझिझक यूपी में अपना उद्योग लगा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा यूपी के लोगों को हो रहा है। उद्योग लगने से जहां एक ओर प्रदेश का विकास हो रहा है वहीं बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। अखिलेश के सीएम बनते ही यूपी बदल गया है। नोएडा का विकास आगरा होते हुए पूरे प्रदेश के कोने कोने तक फैल रहा है। सीएम की कोशिशों की वजह से एचसीएल, इंफोसिस और अमूल डेयरी के 3 प्लांट यूपी में लगाए जा रहे हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहाँ उद्योग लगाना शुरू कर दिया है। आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं जिससे आने वाले वर्षों में प्रौद्योगिकी कौशल से लैस हजारों लोगों को नौकरी के लिए नोएडा और गुड़गांव नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें लखनऊ में ही रोजगार मिलेगा। विदेशी कंपनियां भी यूपी आ रही हैं। हाल ही में सीएम अखिलेश यादव ने यूपी की विकास को रफ्तार देने के लिए विदेश दौरे पर फ्रांस और नीदरलैंड भी गए थे। इस दौरान उन्होंने कन्नौज में इत्र व्यवसाय बढ़ाने के लिए वहाँ के उद्योगपतियों से भी बात की। सीएम आगरा के तर्ज पर लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों का भी जल्द ही विकास करना चाहते हैं। सीएम के आईटी सिटी और नए बिजली कारखानों के निर्माण की शुरुआत के अलावा छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता योजना, कौशल विकास कार्यक्रम, लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद के लिए हमारी बेटी उसका कल योजना जैसे क्रांतिकारी कदम उठाकर सीएम ने खुद को यूपी में विकास पुरुष के रूप में पेश किया है। तो 65 साल का उत्तर प्रदेश हो चुका है, 42 साल के इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं और 3.5 साल का उनका कार्यकाल है। उत्तर प्रदेश के अगर विकास की बात की जाए तो पिछली जो भी सरकार हो, बीजेपी, कांग्रेस या फिर बसपा, किसी ने भी इतना विकास नहीं किया है जो सिर्फ 3.5 साल में अखिलेश यादव ने करके दिखा दिया है। इसीलिए आज हम युवा सोच, युवा जज्बे और युवा जोश की बात कर रहे हैं और आज उनका जन्मदिन भी है। शुरुआत चर्चा की करेंगे, सबसे पहले मैं शिव प्रताप यादव जी का रुख करना चाहूंगी। शिव प्रताप जी एक यूथ आइकन के रूप में उभर कर सामने आए हैं अखिलेश यादव, यही वजह है कि विदेशी कंपनियां भी अब उत्तर प्रदेश का रुख करने लगे हैं जो कि पहले किसी ने नहीं सोचा था। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक अच्छा विजन रखते हैं। एक तरफ अगर लखनऊ में मेट्रो का काम हो रहा है तो वहीं तरफ ग्रामीण एरिया में लोहिया गांव योजना चल रही है, जो लोहिया गांव में जो आधारभूत सुविधाएं है वो दिया जा रहा है, गरीबों को लोहिया आवास दिया जा रहा है, सीसी रोड बन रहा है, सोलर लाइट दिया जा रहा है, इसी प्रकार गांव में जलेश्वर मिश्रा योजना चल रहा है जी। तो हमारी सरकार जो है गांव और शहर दोनों का बैलेंस्ड रूप से जो है विकास कर रही है जी। तभी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा जी। इसके अलावा
प्रचार जो है 5-550 की ओर एलजेडीएस की जो सीटें है वो बनी। तो इस तरीके से इसके अलावा गरीबों के लिए मुफ्त दवाई और यहाँ तक कि गंभीर से गंभीर बीमारी हो जी, अगर केवल इस्टीमेट दे देता है कोई मरीज तो उसको पूरा पैसा जो है अस्पताल में जाता है जी, दवा होती है। खुद मैंने ही करीब 2 करोड़ रुपया 3 साल में हमने दिया है गरीबों को दिलवाया इलाज के लिए। तो इस तरीके से और इसके अलावा किसानों के लिए किसान बीमा दुर्घटना योजना कि अगर कोई किसान की जो है आकस्मिक मौत हो जाती है दुर्घटना में तो उसके परिवार को 5,000 रुपया दिया जाता है। बिल्कुल लिस्ट काफी लंबी है, बिल्कुल लिस्ट काफी लंबी है सफल सरकार की उपलब्धियों की। 2012 की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव हुए थे और उसमें जीत दर्ज करवाकर सत्ता में आई थी सफल सरकार। यशवीर सिंह जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, सफल सरकार की उपलब्धियों की यहाँ पर बात की जा रही है, लिस्ट काफी लंबी है, कई तरीके की योजनाएं लाई है। जब मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव, युवा मुख्यमंत्री प्रदेश के बने थे, जो युवा है उनकी जो सोच है उस पर भी काफी उसका असर पड़ा था, उनकी जो उम्मीदें हैं वो काफी बढ़ गई थी। युवाओं को लेकर किस तरीके से काम किया है सपा सरकार ने और आगे क्या कुछ सपा सरकार युवाओं को लेकर काम करेगी? युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज दो हैं जी, खासतौर से एक तो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जी, ताकि वो स्किल हासिल करके रोजगार उपलब्ध कर सकें जी, और दूसरा है कि अगर उनको जिस तरह से कॉलेज खोले जा रहे हैं इंटरमीडिएट कॉलेज डिग्री कॉलेज गांव में रहते पड़ोस में रहते शिक्षा हासिल कर सकें जी तो उनका उज्जवल भविष्य हो सकता है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उद्योगीकरण किया जा रहा है बड़े पैमाने पर जी, और उस उद्योगीकरण के चलते स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद और एजुकेशन के बाद बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है खासतौर से युवाओं के लिए जी। हमारे साथ संजय शर्मा भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी, अगर छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट बांटने के वादे की बात की जाए तो ये आइडिया अखिलेश यादव का ही था, उन्होंने ही कहा था कि सपा सरकार को या फिर समाजवादी पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में या फिर घोषणा पत्र में इस चीज का जिक्र करना चाहिए, युवाओं को टारगेट करना चाहिए, और शायद उसी एक युवा सोच का नतीजा है कि आज अखिलेश यादव वहां पहुंच चुके हैं जहां उत्तर प्रदेश की गाथा में कोई भी नहीं पहुंचा था। बिल्कुल सही कह रही हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव था समाजवादी पार्टी में। नेताजी के टाइम में लोग मानते थे कि समाजवादी पार्टी पिछड़ी हुई पार्टी है, बहुत बड़ी सोच नहीं है, अंग्रेजों के खिलाफ है, अंग्रेजी के खिलाफ है। उस सोच को बदला अखिलेश यादव, जानते हैं कि अब यूथ एक बहुत बड़ा वोटर है, यूथ इस देश की ताकत है, यूथ इस प्रदेश की ताकत है। वो जानते थे यूथ अब नई पीढ़ी का युवा जो है वो नई सोच के साथ नई जमाने के साथ चलना चाहता है, नेचुरली उसको एक लैपटॉप की उसको आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है। तो अखिलेश यादव की ही सोच थी जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लैपटॉप को शामिल करने की बात की थी, और जिस समय लैपटॉप की बात आपको याद होगा उस घोषणा पत्र में आई थी तो बड़ा विरोध हुआ था, लगातार लोग कह रहे थे कि ये वो समाजवादी पार्टी है जो अंग्रेजी का विरोध करती है, अचानक लैपटॉप पे कैसे आ गई। लेकिन अखिलेश यादव जानते थे कि यूथ को आकर्षित करने के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए लैपटॉप एक सशक्त माध्यम हो सकता है, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने खासतौर से मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में लैपटॉप बांटे उसने युवाओं को कहीं ना कहीं आकर्षित तो किया। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, विकास की बात कई मुख्यमंत्री करते हैं, कई मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में कुछ खासियत होती है। अखिलेश यादव ने जब सत्ता संभाली तो सत्ता के चारों तरफ बड़े पहरे हुआ करते थे, हम तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोग महीनों तरसते रहते थे, कोई उनके दर्शन नहीं होते थे। कम से कम अखिलेश यादव ने वो दरवाजे वो बंधन तोड़े, वो एक सुलभ चेहरा था जिससे कोई भी इंसान मिल सकता था, और सबसे बड़ी खूबसूरती उन आदमी की ये थी कि आप उनसे किसी भी परिस्थिति में देखे, मैं 3 साल से लगातार उनको देख रहा हूँ, मैं हर हफ्ते देख रहा हूँ, कभी भी मैंने उनके चेहरे में तनाव नहीं देखा। आपको एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो आपको हमेशा आप हम लोग कभी कभी बहुत तीखे सवाल पूछ देते हैं, हमको लगता है कि हम कभी हद से ज्यादा तीखे सवाल पूछते हैं, लेकिन उनके चेहरे में मुस्कान कभी गायब नहीं होती। मुझे लगता है कि राजनेताओं का एक बहुत विलक्षण प्रतिभा है उनके अंदर, और हर राजनेताओं को एक बात को सबक सीखना चाहिए कि देश का सबसे बड़ा सूबा है उस सबसे बड़े सूबे के वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इतने सहज भाव से इतनी मुस्कुराहट के साथ जिस तरह वो मिलते हैं, निश्चित रूप से उनकी भविष्य की राजनीति के लिए बड़ा अच्छा आयाम है, और युवा इस बात को बहुत पसंद करते हैं कि उनका मुख्यमंत्री लाइव दिखता है, उनका मुख्यमंत्री हंसता हुआ दिखता है, उनका मुख्यमंत्री फुटबॉल खेलते हुए दिखता है, आज वो अपने जन्मदिन पे झांसी में गए हैं क्रिकेट प्रीमियर लीग का उद्घाटन करने के लिए। तो ये एक उनको लगता है कि उनके बीच का नौजवान है जो उनका नेतृत्व कर रहा है, विकास के साथ साथ
उनकी बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा अच्छा संकेत है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर संजय जी ने कही है कि हर किसी को एक प्रेरणा के रूप में देखा जाता है अखिलेश यादव को, क्योंकि उनका जो मुस्कुराता चेहरा है, जो मृदुभाषी है वो, सादगी का जिस तरह से वो जीवन जीते हैं, हर किसी के लिए वो प्रेरणा की बात है। अगर हम शिव प्रताप जी की बात करें, वो काफी करीब से जानते हैं अखिलेश यादव को। शिव प्रताप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव को राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन उस राजनीति में पकने के लिए, एक परिपक्व राजनीति करने के लिए जो उन्होंने मेहनत की है, वो हर किसी को दिखती है वो मेहनत? सही बात है। देखिए माननीय नेता जी करीब 50 साल से राजनीति में, और उस परिवार के जो नन्हे जो है, जब अखिलेश जी थे हम लोग जाते थे, तो तब से उन्होंने सीखा है एक तरीके से, वो बचपन से लेकर और पढ़ाई लिखाई तक, और उसके बाद में बालिग हुए तब उन्होंने चरणबद्ध तरीके से एक एक पॉइंट को सीखा है, और वही चीज है कि आज जो है दिखाई पड़ रहा है और एक विलक्षण क्षमता वाले हैं। देखिए मैं बात करना चाहता हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा है, करीब से बात भी मैं करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ी बात है जैसा कि शर्मा जी बता रहे थे, वो हर सुझाव, कोई भी सुझाव हो अगर दो तो वो गंभीरता से सुनते हैं। ये नहीं कि मतलब उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हम मुख्यमंत्री हैं और ये मंत्री हैं या कार्यकर्ता हैं या ये नेता, इनकी बात कैसे सुना जाए, ऐसी बात नहीं। बहुत ध्यान से सुनते हैं और मनन करते हैं, उसके बाद में डिस्कस भी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और यही कारण है कि उनके अंदर जो जो दिन पर दिन जो है एक रिफाइन होते चले जा रहे हैं। जहां तक सवाल है, देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैं लेता हूँ क्योंकि उससे मैं जुड़ा हूँ, कितना काम हुआ है कि उत्तराखंड और सिक्किम और तमाम जो प्रदेश, झारखंड, बिहार, यहाँ के फॉरेस्ट के तमाम अधिकारी आते हैं कि यहाँ क्या काम हो रहा है, सीखने के लिए आते हैं, जानकारी के लिए आते हैं। अभी देखिए कुकरेल में, कुकरेल जो एक लखनऊ का जो उपेक्षित पड़ा हुआ था, जबकि ऑक्सीजन का एक सामान्य भंडार है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने टच किया और वहां पर बाउंड्री वॉल बन रहा है, और अभी आज भी प्रोग्राम था वहां पर मारजाट ब्रिज, जिसको लोग भूल गए थे, जो उसको बारे में कहा जाता है कि समुद्र मंथन हुआ था तो पारजाट निकला था, और उसके बाद में देवता स्वर्ग ले गए, फिर कुंसी जो महाभारत के काल में उन्होंने यहाँ पर रोपण किया बाराबंकी में, किंतूर में। आज उस पारजाट को लोग कहते थे ये कहाँ मिलेगा, कहाँ लगेगा, वो पारजाट जो है आज उन्होंने हाईलाइट किया, और आज देखिए पारजाट जो है पूरे प्रदेश में लग रहे हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री की परीक्षा क्षमता है। और अभी नोएडा में पिछली सरकार ने जैसे पत्थर का पार्क बनाने के लिए वहां काम शुरू करना चाहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चीज को पीछे धकेल कर वहां बायोडायवर्सिटी सेक्टर, इंडिया का जो दूसरा बोटैनिक गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक बनाने के लिए उन्होंने 2000 एकड़ जमीन दे दिया। तो इसी प्रकार जो लायन सफारी, कितना बड़ा सोच है कि एक तरफ हर जिलों में हरित पट्टियां बन रही हैं, करीब 1500 हेक्टेयर में पूरे प्रदेश में तमाम सभी जिलों में हरित पट्टियां बनी है, पर्यावरण जो है बढ़ा है 3 साल के अंदर, 15 करोड़ केवल वृक्षारोपण हुआ है और सब सर्वाइव कर रहे हैं। ये नहीं कि पौधे छोटे लगाए गए हो, 8 से लेकर 10 फीट तक लंबाई के पौधे लगाए गए हैं। तो इस तरीके से माननीय मुख्य, जहाँ तक पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है, पर्यावरण के पद लगा, अगर विकास भी हो रहा है तो पर्यावरण का भी ध्यान हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अगर आगरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, अगर मेट्रो बन रहा है, हर जिलों को जो है 4 लेन से जोड़ा जा रहा है, तो उसमें जो वृक्ष कर रहे हैं, जब चौड़ीकरण हो रहा है तो अगर एक कर रहे हैं तो 5 हम लगा रहे हैं। इसलिए ये सारी चीज माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं तारीफ करता हूँ, कितना ध्यान रखते हैं कि अगर विकास भी हो रहा है, विकास भी करा रहे हैं और पर्यावरण का भी ध्यान है। जी, वो एनवायरमेंटल स्टडीज में पढ़ाई की है, शायद इसी का नतीजा है कि वो अपने जन्मदिन को भी इतनी सादगी के साथ मना रहे हैं। एक पेड़ बनाकर यहाँ अखिलेश यादव ने अपना जन्मदिन मनाया है। वहीं आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, सीएम अखिलेश के सबसे महत्वपूर्ण और ड्रीम प्रोजेक्ट जो है
वो हम आपको बताएंगे किस तरह के ड्रीम प्रोजेक्ट उनके रहने वाले हैं, जिनमें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जिसे शुरू कराने के लिए सीएम ने जी जान से मेहनत की। नतीजा ये हुआ कि ये परियोजना अब शुरू हो चुकी है और इसका काम भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने से नोएडा से लखनऊ की दूरी काफी कम हो जाएगी और 5 से 6 घंटे में नोएडा से लखनऊ की दूरी तय की जा सकती है। 7 जिलों से होकर गुजरने वाले करीब 270 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 10,400 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। एक्सप्रेसवे में पर्याप्त अंडरवे और कैटलवे की व्यवस्था की जाएगी और दोनों ओर 10.25 मीटर तक हरित पट्टी विकसित की जाएगी। आगरा से लखनऊ तक बनने वाले एक्सप्रेसवे परियोजना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई पीपीपी मॉनिटरिंग कमेटी ने अंतिम कॉन्सेप्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में ये विकल्प रखा गया है कि प्रोजेक्ट का या तो एक साथ विकास करने के लिए डेवलपर का चयन किया जाए या प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांटकर अलग अलग उसका विकास किया जाए। एक्सप्रेसवे के रास्ते में 4 विकास केंद्र बनाए जाएंगे। पहला विकास केंद्र फिरोजाबाद के कांच नगरी में बनाया जाएगा, दूसरा प्रगति नगर, तीसरा करहल सैफई के निकट खुशबू नगर कन्नौज और चौथा विकास केंद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मलिहाबाद में बनेगा। इसके अलावा 4 लिंक रोड भी बनेंगे। 8.67 किलोमीटर की आगरा लिंक रोड, 15.01 किलोमीटर की फिरोजाबाद लिंक रोड, 26 किलोमीटर कन्नौज लिंक रोड और 13.86 किलोमीटर की लखनऊ लिंक रोड बनाई जाएगी। अखिलेश सरकार के एक और ड्रीम प्रोजेक्ट आगरा में लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। यह पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगा। 7 जिलों से होकर गुजरने वाले करीब 270 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 10,400 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी, साथ ही आलू और आम के विपणन में तेजी आएगी। कन्नौज के इत्र, फिरोजाबाद के कांच, आगरा के चमड़ा उद्योग के साथ ही हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। यशवीर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यशवीर जी, अगर हम अखिलेश यादव के परियोजनाओं की बात करें, हर एक तबके के लिए उन्होंने काम किया है, हर एक तबके के लिए योजना बनाई है, फिर चाहे वो गरीबों की बात हो, मजदूरों की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, ये जो योजनाओं के लिए उन्होंने जो खाका तैयार किया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि यही योजना है जो कि उन्हें दिन पर दिन लोकप्रिय बना रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। वर्ल्ड बैंक हर साल रिपोर्ट देता है और उसमें लिखता है कि भारत अगर पिछड़ रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। और मुझे कहने में अफसोस नहीं कि उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी बहुत पीछे है और प्रांत, कई प्रांत हमसे आगे हैं, इसीलिए उनकी ग्रोथ हमसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ज़्यादा ध्यान दिया है, ये वास्तव में एक सबसे महत्वपूर्ण काम है, सड़कों का, मेट्रो का और इसी तरह दूसरे कॉलेजों का, यूनिवर्सिटियों का, मेडिकल कॉलेजों का। कई मेडिकल कॉलेज खुले हैं पिछले 3 साल में, शायद इतने कभी इस तरह नहीं खुले होंगे एक एक साल में। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी धरोहर होगी उनकी कामयाबी की और उनके सोच की, जिसका आम मानस को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। सड़क निकलती है तो जहाँ से सड़क निकलती है उसी इलाके का अपने आप विकास हो जाता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कॉलेजेस बनते हैं, बच्चों की शिक्षा होती है, मेडिकल कॉलेज बनते हैं, गरीब आदमी को इलाज की फैसिलिटी बढ़ती है, मेट्रो निकलती है, उससे कानपुर में मेट्रो शुरू होने वाली है। तो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए हैं वो वास्तव में एक सराहनीय है और वो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने में सक्षम रहेगी। जी तो बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और उसी सबसे बड़े राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव और आज उनका जन्मदिन है और इसी मौके पर हम उनके युवा सोच, युवा शक्ति और युवा जोश को सलाम करते हैं। संजय शर्मा जी, मैं आपके पास
उत्तर प्रदेश की राजनीतिक खबरों से जुड़े रहते हैं आप। कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है, लगातार जब से सपा सरकार सत्ता में आई है तब से ये सवाल है काफी बड़ा, जो विपक्ष है वो इसको लेकर सवाल उठाता रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए तो जब से सपा सरकार आई है कानून व्यवस्था में काफी सुधार आया है। अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो कुछ दिन पहले अगर देखी जाए तो जो मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने हरी झंडी दिखाई है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस को 1056 जो गाड़ियां हैं, जो वाहन हैं, वो मिले हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर रहे हैं शुरुआत से ही। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अकेला यही सवाल है जहाँ पे अखिलेश सरकार पे सवाल खड़े होते हैं। कानून व्यवस्था का पालन उतना बेहतर नहीं हो पा रहा जैसा मुख्यमंत्री की सोच है, और ये शायद ये अकेली बात है जो मुख्यमंत्री को भी अखरती है। बेशक वो कोशिश करते हैं, कभी उन्होंने 1056 गाड़ियाँ पुलिस को दी है, 1091 जैसी स्कीम उन्होंने लाई है जिससे लोगों तक मैसेज पहुँचता है। और मुख्यमंत्री अपने भाषण में लगातार कहते भी हैं कि जो 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच सकती है तो 10 मिनट के अंदर पुलिस क्यों नहीं पहुँच सकती। लेकिन कानून व्यवस्था ये आज का मुद्दा नहीं है, पिछले 15 सालों से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। और एक दर्द और भी है, कानून व्यवस्था के कुछ मसलों को उत्तर प्रदेश के खासतौर से बड़ा चढ़ा के दिखाया भी जाता है। ये भी मुख्यमंत्री का दर्द सही है। उनका कहना है कि बलात्कार में जो राज्य सबसे आगे है, मध्य प्रदेश खासतौर से सबसे आगे है, वहाँ बलात्कार की कोई घटना होती है तो टीवी चैनल पर वहाँ मुख्यमंत्री का फोटो नहीं लगाया जाता। और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी हेमंत तिवारी जी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन है और साथ ही साथ सपा सरकार की उपलब्धियों की बात की जाए जो फेहरिस्त है वो काफी लंबी है, लेकिन 2012 से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तमाम योजनाएं सपा सरकार लाई है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में, किस तरीके से देखते हैं आप? अब देखिए, अगर जन्मदिन से सरकार की उपलब्धियों को जोड़ते हैं तो मैं बहुत अच्छा जन्मदिन इसको नहीं मानूंगा। सरकार शुरुआती 2 साल में शायद उतना तेजी से काम नहीं किए जो इनसे अपेक्षित था, और जो काम किए वो जनता के बीच में इस तरीके से जाहिर किया पाया, और इस बात को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं। लेकिन 2014 के बाद सरकार की रफ्तार बहुत तेज हुई है, इसमें कोई शक नहीं। डेवलपमेंट के मोड पर काम कर रही है अखिलेश यादव की सरकार, मतलब इनके 41वें और 42वें जन्मदिन के बीच का जो वक्त रहा एक मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव के लिए, ये निश्चित रूप से कामयाब रहा है। कई मेजर प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं जो मेरे ख्याल में अगले साल तक पूरे होंगे। बहुत सी चीजें जो जनता तक नहीं जा पा रही थी उस पर थोड़ी सी सख्ती हुई है। एक ब्यूरोक्रेसी से जो सपोर्ट न मिलने वाली बात शिकायत आ रही थी वो भी अब शायद खत्म हो गई है। कुछ चीजें पॉजिटिव है, अभी वक्त है। मेरे ख्याल में जब इनका 45वां जन्मदिन मनाया जाएगा अगले वर्ष 1 जुलाई को, तब तक अखिलेश यादव के खाते में उपलब्धियों का अच्छा खासा अच्छी खासी संख्या दर्ज होगी। जी बिल्कुल। और हेमंत जी, यहाँ पर अगर एसओएचएम की बात की जाए तो वो भी सपा सरकार की उपलब्धियों के हक में है, क्योंकि यहाँ पर जो एक दर बताई जा रही है वो 8.5% की है जो कि एक राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आंकड़े भी यही बताते हैं कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ पटरी पर आ चुका है विकास के, बल्कि तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल सही, एसओएचएम की रिपोर्ट में तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश दिया है, और सरकार के लिए कम से कम एक बड़ी बात सामने आई है। मतलब एक इंटरप्लेशन का माहौल अगर बेहतर होता है तो ये वास्तव में किसी प्रदेश की विकास के लिए बड़ा पैमाना होता है। और एसओएचएम ने तो अपनी एक ओरिजिनल रिपोर्ट दी है जिसमें बताया है कि उत्तर प्रदेश ट्रेंड कर रहा है बेहतर अखिलेश यादव कार्यकाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ये सब चीजें अच्छी है, और मेरे ख्याल में वक्त है, और सरकार ने अगर यही गति बनाए रखी तो उनकी, मैंने पहले भी कहा, उनके खाते में बहुत सी अच्छी उपलब्धियां दर्ज होंगी। और जब आप कुछ कोई काम करते हैं और उसको धरातल पर जब दिखाई पड़ता है तब शायद जो जनता उसको ग्रहण करती है और तब सरकार के बारे में राय बनती है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये जन्मदिन जो अखिलेश यादव बिल्कुल हेमंत तिवारी जी, लेकिन अगर 2012 की बात की जाए जब सत्ता में आई थी सपा सरकार तो वादा किया गया था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा, एक युवा सोच सत्ता में आई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार योजनाओं पर योजनाएं भी लाई गई। रोजगार की बात की जाए, युवाओं को रोजगार मिला, जो बच्चे हैं उन्हें लैपटॉप दिया गया, छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई,
तमाम तरीके की योजनाएं हैं, औद्योगिकरण की जो बात की गई थी ताकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाया जाए, ये लिस्ट काफी लंबी है और शायद जो काम है वो अभी आधा है लेकिन पूरा जरूर होगा। देखिए लिस्ट लंबी है, लिस्ट लंबी है जी, काम अच्छे संकल्प के साथ कई काम हुए, बिल्कुल अच्छी सोच के साथ हुए, लेकिन एक बड़ी चीज है जो मेरे ख्याल में संकल्प लेना पड़ेगा इस दिन पर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर, कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दुरुस्त रखे। देखिए जब कानून व्यवस्था के बारे में अच्छी से भी आपकी रहेगी प्रदेश में या प्रदेश के बाहर जी, तब निश्चित रूप से आपकी जो योजनाएं हैं चाहे उद्योग स्थापित करने के बारे में जैसे इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करने की बड़ी कोशिश की है सरकार ने और सरकार भी आ रहा है, आपकी छवि मेरे ख्याल में बेहतर तभी बनेगी जब लॉ एंड ऑर्डर पर एक जो आदर्श स्थिति मानी जाती है, शिकायतें कम हो, नाराजगी कम हो, कहां अपराध कम हो, माहौल अच्छा हो जी, वो स्थिति बनानी होगी। और यह कायदे से तो अखिलेश यादव के लिए अगले जन्मदिन के पहले का ही संकल्प होना चाहिए, हालांकि बढ़िया कोशिश कर रहे हैं जी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से मानी जाए, क्योंकि अगर हम 2012 से लेकर अभी तक की बात करें, आपसे भी अंजलि मैं कहना चाहूंगी कि 2012 से लेकर अभी तक एक साल तो उन्हें समझने में ही लग गया होगा, इतना बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश, और अगर एक साल उनको पूरा समझने में लग गया होगा उसके बाद दो साल में इतना बड़ा कार्यकाल अपना पूरा करना और इतनी बड़ी उपलब्धियों के साथ, वाकई में एक अचीवमेंट। बिल्कुल, और एक प्राथमिकता थी सरकार की कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए, जैसा कि हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। संजय शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी, जैसे कि हेमंत तिवारी जी से भी हमारा यही सवाल था, पहले क्या होता था उत्तर प्रदेश में कि जो कंपनियां हैं वो डरती थी कि नहीं हम उत्तर प्रदेश में आकर उद्योग नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे ही सपा सरकार आई जो तमाम कंपनीज हैं उन्होंने एंटर करना शुरू कर दिया, औद्योगिकरण होने लग गया, बड़ी उपलब्धि है। नहीं, कुछ तो नए प्रयोग किए गए, जैसे आपने अभी जिक्र कर लिया आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का, ये एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के विकास में जितना बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए लोगों को अगर आप कल्पना कर लीजिए कि अपनी गाड़ी से आप 5.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी खासियत बात ये रही कि जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे बनाने का निर्णय सरकार ने लिया तो ये कहा कि वो अपने अपने ही फंड से एक्सप्रेस वे को बनाएंगे, और ये पहला एक्सप्रेस वे है पूरे देश में जिसमें किसी भी किसान ने ये विरोध नहीं किया कि उसकी जमीन का उसको मुआवजा नहीं मिल रहा या वो अपने उसकी किसान की जमीन जबरन खरीदी गई हो। ये जब पूरे देश में किसानों की जमीन को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, बड़ा विरोध चल रहा है, उस समय में इतने 250-300 किलोमीटर तक की जमीन अगर उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की सहमति से ले लेती है, एक भी विरोध की आवाज नहीं आती है, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा एक्सप्रेस वे को जिस तरह से बहुत प्लानिंग के साथ चार हिस्सों में बांट के चार कंपनियों को दिया गया और इतनी तेजी से काम शुरू किया गया, 2 साल के अंदर इस हाईवे को बना देना है, वो अपने आप में बहुत बड़ा विकास का पैमाना है। लखनऊ में मेट्रो आएगी ये कोई कल्पना कर नहीं सकता था, फिर अखिलेश यादव का दिमाग था कि वो लखनऊ को एक विकास के चरण पर लाया जाए, लखनऊ में मेट्रो में बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया गया, नो डाउट काम बहुत अच्छा सरकार विकास के माध्यम से करने की कोशिश कर रही है। आगरा एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे और मेट्रो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल जैसे लोग हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, आई टी सिटी बन रहा है, कि जब अखिलेश सरकार आएगी तो प्रदेश में खुशहाली आएगी, और खुशहाली की जो उम्मीद थी उसे सच्चाई भी कर दिखाया है, सच कर दिखाया है यहाँ अखिलेश यादव ने, और अब प्रदेश के हर एक कोने में अगर देखा जाए तो खुशी की लहर है। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ड्रीम प्रोजेक्ट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ साथ यूपी की राजधानी लखनऊ में मेट्रो का भी काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने वाराणसी, मेरठ, आगरा और कानपुर में मेट्रो की कार्य योजना पर भी काम तेज कर दिया है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मेट्रो को रफ्तार देने के लिए लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने वाराणसी, मेरठ, आगरा और कानपुर में मेट्रो की कार्ययोजना पर भी काम तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मानना है कि प्रदेश में विकास के एक नए युग की शुरुआत करने वाली इस परियोजना से राजधानी लखनऊ की तस्वीर ही बदल जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले 3 वर्षों में लखनऊ में मेट्रो दौड़ने लगेगी। लखनऊ मेट्रो के पहले चरण में अमौसी से मुंशी पुलिया के बीच उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के तहत करीब 23 किलोमीटर के मार्ग का निर्माण होगा। ये चरण मार्च 2018 तक पूरा होना है। दूसरे चरण में चारबाग से वसंत कुंज के बीच 11 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण शुरू किया जाएगा जो
मार्च 2019 तक पूरा होगा। परियोजना के तहत कुल 22 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और इस पर करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रिपोर्ट साधना प्राइम। तो आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा किस तरह उत्तर प्रदेश में विकास कार्य में तेजी आई है अखिलेश सरकार बनने के बाद में। शिव प्रताप यादव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिव प्रताप जी, मेट्रो एक्सप्रेसवे से लेकर औद्योगिक विकास, बिजली पानी की बेहतरी, बिना अखिलेश यादव के कुशल नेतृत्व के ये सब कुछ संभव नहीं था। थे उनको भी समायोजन करके उनको टीचर बना दिया गया। इसके अलावा अधीनस्थ सेवा जन सेवा आयोग का भी गठन किया गया, लाखों नौकरियां निकल रही हैं। और इसके अलावा जैसे आईटी सिटी जो बन रहा है या ट्रिपल आईटी, इसमें भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और सोशल सेक्टर में समाजवादी पेंशन योजना, गरीबों को पूरे प्रदेश में 45 लाख गरीबों को एक मुश्त जो है 500 रुपए समाजवादी पेंशन योजना दिया जा रहा है। और ये उन लोगों को दिया जा रहा है जिनका नाम बीपीएल सूची में नहीं था, जो लोग बेचारे नहीं पा रहे थे वृद्धावस्था पेंशन, उनको दिया गया है। ऐसे गरीबों को जो वंचित थे 45 लाख, एक पूरे हिंदुस्तान में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है कि एक साथ 45 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन दिया हो। तो इस प्रकार सोशल सेक्टर में भी बहुत काम जो है हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। तो एक तरफ गाँव का विकास, लोहिया गाँव, चरेश्वर मिश्रा गाँव, दूसरी तरफ मेट्रो लाकर, आईटी सिटी लाकर, मेदांता हॉस्पिटल लाकर, महानगरों का विकास हो रहा है और सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम हो रहा है। अगर अगर आगरा एक्सप्रेस वे बन रहा है आगरा टू लखनऊ, तो इसी प्रकार हर जिला मुख्यालयों को 4 लेन से भी जोड़ा जा रहा है। तो चौतरफा बहुमुखी विकास हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है। पावर सेक्टर में भी करीब 600 जो है पावर स्टेशन बनाए गए, उप विद्युत उपकेंद्र बनाए गए और अंतरा जी और हरद्वारगंज में पावर प्लांट बनाए गए हैं। तो इस तरीके से हर पावर क्षेत्र में और मतलब सड़क के क्षेत्र में मेट्रो है, मतलब हर तरफ रोजगार है, लैपटॉप है, बेरोजगारी भत्ता है, कन्या विद्याधन है, हर सेक्टर में हमारी सरकार काम कर रही है। अभी देखिए चार धाम में उल्ला में भी हमारी सरकार ने उनको जो वृद्ध है, 1044 लोगों को चार धाम यात्रा कराने की पुष्टि की गई है। जी जी, इसके अलावा देखिए हमारे मुख्यमंत्री का मैनेजमेंट देखिए, अमेरिका ने भी सराहा है, इतना बड़ा महाकुंभ हुआ था जहाँ जहाँ करीब 25-30 करोड़ लोग जो है 50 करोड़ लोग जो है स्नान करने गए महाकुंभ इलाहाबाद में, उसकी तारीफ एक भी घटना नहीं हुई और इसकी तारीफ पूरे दुनिया में हुई। यहाँ तक अमेरिका ने भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्वाइट किया उनके जो है क्षमता के बारे में जानकारी करने के लिए। तो इस तरीके से चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे विजन हो, चाहे वो जो है गरीबों के प्रति उनका लगाव हो, हर चीज में माननीय मुख्यमंत्री जी जो है आज देखा जाए तो वो पास हुए हैं। और मैं उनको इस 42वें जन्मदिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से आज 5,000 वृक्ष का उन्होंने जो है वृक्षारोपण किया है जी, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए जो समाजवादी सोच है, मुफ्त रोटी दवाई और शिक्षा, उसमें काफी योगदान रहा है युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। यशवी सिंह जी, आपसे यही सवाल है, एक बड़ी सोच और एक युवा सोच का ही नतीजा यह है कि आज उत्तर प्रदेश के हर कोने में मुफ्त शिक्षा, रोटी और स्वास्थ्य की जो दवाइयां हैं वो मिल रही हैं। देखिए, समाजवादी सोच में पैदा हुए हैं मुख्यमंत्री, तो सोशल सेक्टर पर सबसे ज्यादा एम्फेसिस उनकी समाजवादी सोच का नतीजा है जी। ये सारी चीजें मुफ्त दवाई, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त सिंचाई, ये बहुत पुराना नारा समाजवाद का रहा है और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं यही मानता हूँ कि जिस तरह से सड़कों का और बिजली का विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा, वो उत्तर प्रदेश के लिए एक सबसे बड़ा विकास का मील का पत्थर साबित होगा। उससे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जिन राज्यों के पास बिजली सरप्लस है, सड़कें अच्छी हैं, वहाँ ही सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जाती है। इसलिए आने वाले समय में जिस तरह से संकल्प लिया है बिजली को 16 तक
पूरे शहरों में 24 घंटे बिजली देने का, उद्योग के लिए बिजली देने का माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सारी परियोजना शुरू की हैं बिजली के उत्पादन की, उसके चलते जिस तरह से सड़कों का विकास हो रहा है, हर जिले को 4 लेन बनाने का, उस सब के चलते आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बन सकेगा। और समाजवाद का जिस तरह से उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को बदलने का काम किया, गरीब आदमी को हर तरह से मदद करने का काम किया, उससे एक नया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकेगा, ऐसी हमारी शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को। बिल्कुल, यानी कि उत्तर प्रदेश के हर तबके का विकास करने की जो सोच है वो असल में समाजवादी की सोच है, और यही उत्तर प्रदेश के जो युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर रहे हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सपा प्रवक्ता गौरव भाटिया से खास बातचीत की हमारी संवाददाता नीलम शुक्ला देवांगन ने। अखिलेश यादव का जन्मदिन है, हमारे साथ गौरव भाटिया हैं। गौरव जी, क्या कहेंगे आप युवा मुख्यमंत्री, आज उनका जन्मदिन है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को उनके जन्मदिन की बधाई दूंगा, और यही कामना करूंगा कि भारतीय राजनीति में वो एक मील का पत्थर साबित हो और प्रजातंत्र को मजबूत करते रहें, जैसे कि वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश को काफी दिनों के बाद युवा मुख्यमंत्री मिला है, आपकी ऐसी कोई यादें हैं, क्योंकि आपकी और उनकी उम्र लगभग एक जैसी है। बहुत सी यादें हैं, लेकिन मैं इस पे जरूर प्रकाश डालना चाहूंगा कि मुझे याद है कि एक अधिवक्ता बंधु हमारा था और वो कैंसर से पीड़ित था, और उस वक्त हमारी सरकार भी नहीं थी और श्री अखिलेश यादव जी प्रदेश अध्यक्ष थे। मैंने जैसे ही उन्हें बताया कि अधिवक्ता सभा के सदस्य हैं और ऐसे इनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्होंने तुरंत उसकी मदद करी। और खूबसूरती ये थी कि जब मैं एक महीने बाद फिर से मिला मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने तुरंत पूछा कि उस अधिवक्ता की अब स्वास्थ्य कैसा है, उसकी देखरेख करना, कोई और ज़रूरत हो तो मुझे दोबारा बताना। और इसके अलावा जब मुख्यमंत्री भी हैं, जब भी कभी कोई भी मदद मांगी है किसी के लिए भी जो पीड़ित है या कोई जिसको ज़रूरत है, तो हमेशा अपना जो उनका चीफ मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी फंड होता है उससे उन्होंने ज़रूर मदद करी है। ये दिखाता है उनकी असली शख्सियत और उनका दिल कितना उदार है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक बड़े पद पे बैठे और आप आसमान छू लें, लेकिन आपके जो पैर हैं वो तब भी जमीन पे लगे। जब मुख्यमंत्री बनाया गया था अखिलेश यादव को मुलायम सिंह जी की जगह पर, तो बहुत सारे सवाल थे लोगों के मन में। उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है, क्या कहेंगे, क्या उपलब्धियां रही जो आप उनके बर्थडे पे उनको कहना चाहेंगे कि अखिलेश जी ये आपने किया और इसके लिए आपका धन्यवाद। चाहे किसानों के लिए हो, अभी आपदा आई किसानों पे, तुरंत जो है स्टेट ने अपने खजाने खोल दिए और 2500 करोड़ से ज्यादा मदद करी किसानों की। चाहे छात्रों के लिए हो, चाहे अधिवक्ताओं के लिए बजट में प्रावधान किया, और हर कमजोर वर्ग के लिए अखिलेश यादव जी ने सोचा और उसको किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ ये है कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, अभी 3 साल और कुछ महीने हुए हैं और 90% से ज्यादा वो वादे पूरे हो गए हैं, और अब एक नई सोच के साथ प्रदेश का विकास हो रहा है। चाहे मेट्रो की बात हो जो कि लखनऊ में आ रही है, उसको गाजियाबाद से आगे ले जाने का बात हो रही है, बनारस में लाने की बात है, चाहे एक्सप्रेसवे हो जो कि आगरा से लखनऊ के लिए आ रहा है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता उनमें अपना भविष्य ढूंढ रही है और उनका विश्वास जैसे 2012 में बना था वैसे ही बना हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हर एक शख्स अपने लोकप्रिय नेता का जन्मदिन मना रहा है, हर कोई अपने अपने अंदाज में जन्मदिन मना रहा है। आइए आपको भी दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में किस तरह मनाया सपा के कार्यकर्ताओं ने अपने लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव का जन्म दिवस। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है और इस वक्त हम खड़े हैं सपा के नोएडा ऑफिस में और यहाँ पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा है कि उनका जन्मदिन बहुत ज़्यादा धूमधाम से ना मनाया जाए और बहुत ज़्यादा खर्चा ना किया जाए उस पर, बावजूद उसके यहाँ पे उनका बर्थडे मनाया जा रहा है और जो उनके समर्थक हैं, जो सपा के सदस्य हैं, वो बर्थडे मना रहे हैं। हमारे साथ नोएडा महानगर के अध्यक्ष राकेश यादव। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप अखिलेश यादव से? माननीय मुख्यमंत्री जी का आज 42वां जन्मदिन मनाया जा रहा है,
रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने पूरा सादगी के बीच अपना जन्मदिन मनाया है, विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य चल रहे हैं, अब से पूर्व में किसी सरकार ने इतने काम नहीं किए जितने माननीय मुख्यमंत्री ने किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मैं मायावती को इस चीज़ में लाना चाहता हूँ, अगर आज उनका जन्मदिन होता तो मैं समझता हूँ कि कितने उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिकारी होते या तो वो सुसाइड की तरफ भाग रहे होते या वो सस्पेंड किए जा रहे होते, क्योंकि उनका सीधा एक टारगेट होता है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जो पहले थी पूर्व मुख्यमंत्री के, पैसे लाओ और मेरा जन्मदिन मनाओ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी जैसे युवा हृदय जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ ले गए हैं, और एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जिन्होंने अपने जन्मदिन पर लूट खसोट पता नहीं क्या क्या नहीं किया, तो सीधा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन बहुत सादा सादगी में मनाया गया है। किसी तरीका से कोई भी ये एलिगेशन नहीं लगा सकता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरीका से किसी को टारगेट किया होगा भाई जन्मदिन मनाओ या आप लोग जन्मदिन क्यों नहीं मनाए। ये तो कार्यकर्ताओं की, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं की खुशी है और खुशी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया गया है। कार्यकर्ता है वो काफी खुश है और कार्यकर्ताओं से जाना चाहेंगे, अगर आपको अखिलेश यादव को कुछ कहना है तो आप क्या कहेंगे सारे लोग? साफ है खुशी काफी ज्यादा है, हालांकि बहुत सादगी से मनाया जा रहा है जन्मदिन, लेकिन जन्मदिन तो जन्मदिन है, यही कारण है कि अखिलेश यादव को उनके सारे समर्थक बधाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिमन्यु के साथ नीलम शुक्ला देवांगन, साधना न्यूज दिल्ली। प्रताप जी, देखा आपने किस तरह से 15 जनवरी को हम नहीं भूल सकते, जब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अपना जन्मदिन मनाती थी, एक बड़ा समारोह वहां पर होता था, लेकिन सादगी के साथ में अखिलेश यादव अपना जन्मदिवस मना रहे हैं। आप इससे मैं पूछना चाहूंगी, अखिलेश यादव की वो सादगी है जहां पर इस पद पर आते आते कई सियासी नेताओं का सफर खत्म होता था, उसी मुख्यमंत्री पद से उनका सफर शुरू हो रहा है, ये उनकी सादगी का ही नतीजा है, बड़ी सोच का नतीजा है। मैं थोड़ा सा आपको इससे इंटरेस्ट करना चाहूंगा जी जी, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कतई जन्मदिन नहीं मनाया है, न मनाने का उन्होंने कोई ऐलान किया है न कहा है, ये लोग स्वतः जो है कार्यकर्ता या जनता मना रही है। शिव प्रताप जी, शायद आपने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी, मैं ऐसा बोल रही थी कि 15 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते थे, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव सादगी के साथ मना रहे हैं, यानी कि जनता भी जो बड़ा अंतर है दो राजनेताओं के जन्मदिन में वो देख पा रहे हैं, वो महसूस कर पा रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप, यही वजह है कि आज वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन है? वो कतई माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा भी नहीं है कि मेरा जन्मदिन मनाया जाए, और उन्होंने इसलिए आज वहाँ पर वन महोत्सव का प्रोग्राम में रहे, तो उन्होंने अपनी जो है अभिव्यक्ति भी की कि आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया जन्मदिन का बधाई दिया, तो मुझे पता चला कि आज जन्मदिन है। लेकिन लोग जनता अपने कार्यकर्ता मना रहे हैं, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है कि आप एक चैनल के माध्यम से देखा उन्होंने कि कोई लड़की बीमार है और इलाज के लिए पैसा नहीं है, और उन्होंने ये ऐसे दर्जनों उदाहरण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके इलाज की व्यवस्था किया, केवल चैनल पे देखकर मीडिया में जानकारी मीडिया से मिलने पर उन्होंने कर दिया। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई नहीं है, सर संवेदनशील मुख्यमंत्री जो विकास के तरफ पर भी संवेदनशील है, उसी तरीके से गरीबों के पर जो बीमार हैं, जो नौजवान हैं, उनके पर भी संवेदनशील हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को मैं चाहूंगा, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। जी यही हम भी कहना चाहेंगे, हम भी इसी तरह की बधाई देना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उनके जन्म दिवस पर। वहीं इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राम सकल गुर्जर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अमित दुबे ने, आइए आपको भी सुनवाते हैं इस बातचीत के अंश। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राम सकल गुर्जर हमारे साथ है। सर आज उत्तर प्रदेश सीएम अखिलेश यादव का बर्थडे है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं,
और उनको हम शुभकामनाएं बधाई देते हैं, साथ ही साथ उन तमाम लोगों की तरफ से, उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से, तमाम किसानों की तरफ से, जो किसान परिवार, जिनके परिवारों के किसान दुर्घटनावश मर जाता था, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती थी, उसका परिवार बेसहारा हो जाता था, उन्होंने उनको 5 लाख रुपए देने का काम किया। तमाम छात्रों की तरफ से, छात्रों में तमाम जो छात्र गरीब गांव में बैठे हुए छात्र थे, जिन्होंने सपने में उनके परिवारों ने नहीं सोचा था कि हमें, हमारा बेटा जब बड़े बड़े छात्रों को देखते थे कि लैपटॉप पर काम कर रहा है, गरीब का बेटा जब लैपटॉप पर काम नहीं करता था, उन माँ बाप का सपना पूरा किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लैपटॉप देने का काम किया। तमाम ऐसे लोग, जो ऐसी योजना है जो देश में किसानों के लिए, तमाम डेयरी फार्म किसानों के लिए, किसान बीमा दुर्घटना योजना नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए, बहन बेटियों के लिए, वो तमाम पूरी देश प्रदेश की जनता जिस आज लगातार इस बात के लिए शुभकामनाएं बधाई दे रही है, उस सब की तरफ से हम बधाई देते हैं। आज प्रदेश में तमाम ऐसे काम हैं, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे, दिल्ली से आगरा लखनऊ ऐसा हो गया जैसे लोकल हो गया, 3-4, 4-5 घंटे में लखनऊ पहुँच जाएंगे, दिल्ली से आदमी 3 घंटे में आगरा से लखनऊ पहुँचेगा। तो ऐसे तमाम ऐसे काम हो रहे हैं प्रदेश को, और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को पूरे देश के नक्शे पर नंबर एक पर लाया जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। और 3 साल में उन्होंने काफ़ी ऐसा प्रयास किया जिससे उत्तर प्रदेश को एक अच्छा प्रदेश बनाया जा रहा है, अच्छे प्रदेश की राह पर है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को, इन सब लोगों की तरफ से मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ दिन पहले सीएम ने एक बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं से अपील की है कि थाने की राजनीति ना करें कार्यकर्ता, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री की ये अपील जो है कार्यकर्ता बर्थडे गिफ्ट के रूप में उन्हें इस जन्मदिन पे देंगे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है, थाने की राजनीति का मतलब, थाने की राजनीति से मतलब ये है कि जो गलत सलत कामों में लिप्त कुछ कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की है कि थाने वाने में कुछ गलत सिफारिशें हो जाती हैं, कुछ असामाजिक तत्व थाने में कार्यकर्ताओं की आड़ में चले जाते हैं, वो अपील किए कि थाने तहसील में कुछ गलत कामों को लेकर, मुख्यमंत्री जी की स्वाभाविक चीज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है। तो ये थे राम सकल गुर्जर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री ने कई सारी योजनाएं चलाई हैं, चाहे हम हाईवे की बात करें, चाहे बेटी बचाने के लेके करें या लैपटॉप स्कीम, बहुत सारी स्कीमें हैं जो गरीबों तक पहुंची हैं, और ये सुविधाएं जो अब 3 साल से मिल रही है ये आगे भी मिलती रहेंगी, और उत्तर प्रदेश सरकार जो है नंबर वन प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश बनेगा। संजय शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कहा जाता है कि एक पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो उस पार्टी की जड़ होता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी बातें आपने सुनी है, काफी खुश हैं अपने नेता के जन्मदिन को लेकर, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भी काफी खुश हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन को लेकर। कहा जा सकता है काफी जमीनी नेता हैं और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में इतनी खुशी है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन को लेकर, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवा नेतृत्व के दम पर आज समाजवादी पार्टी अगर यहां तक पहुंची है तो आगे जो मंजिलें हैं वो दूर नहीं, दिल्ली का रास्ता भी तय किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी की युवा टीम जो है उसके अंदर बहुत जोश है, मुख्यमंत्री जी ने नौजवानों की बहुत बड़ी टीम प्रदेश भर में तैयार किया है जो उनका सपोर्ट करती है। पिछले दिनों नेपाल में भूकंप आया तो बड़ी यादगार काम इस नौजवान टीम ने किया, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दर्जनों नौजवान नेपाल गए और नेपाल में भूकंप पीड़ितों की उन्होंने मदद करी। तो मुख्यमंत्री की जो नौजवान टीम है ये उनकी आंख कान नाक का काम कर रही है, उनको हर सूचना देती है, बेहतर बनाने का काम करती है। लेकिन एक पीड़ा है, मैं शिव प्रताप जी से अनुरोध करना चाहूंगा, इस पीड़ा को शिव प्रताप जी नेताजी के समय के, उनके पिताजी के समय के राजनीतिक लोग हैं और उनके मंत्रिमंडल में बहुत बुजुर्ग राजनीतिक लोग हैं, तो उन्होंने एक नौजवान मुख्यमंत्री को अपनी तरह खांसे में किया है और नौजवान मुख्यमंत्री को हमेशा कुर्ते पजामे में डाला है। उनकी जो टीम है वो चाहती है उनका मुख्यमंत्री भी नौजवान देखकर हमारे देश का प्रधानमंत्री कुर्ते पजामे पैंट कोट में दिखाई देता है, तो सब नौजवान टीम बिचारी कह नहीं पाती है, कभी कभी मुख्यमंत्री को छूट दी जाए इस कुर्ते पजामे के परंपरागत भेष से निकल के नौजवान की तरह दिखाई दे वो, और अच्छे लगते हैं वो ट्रैक सूट पहन के साइकिल चलाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो अच्छे लगते हैं नौजवान को, लगता है ये परंपरागत जो खादी की वेशभूषा है अच्छी है, खादी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी एक नौजवान मुख्यमंत्री को छूट दी जानी चाहिए कि वो एक नौजवानों की तरह दिखे, एक आकर्षक वो है तो एक नौजवानों का प्रेरणा स्रोत भी बने, कभी कभी वो जीन्स और टी शर्ट में भी दिखे तो जन्मदिन में कम से कम हम लोगों की विश पूरी करें और एक अच्छे सूट बूट से चली हमारा नौजवान सुंदर से मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री हमको दिखाई दे। जी बिल्कुल, तो वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन और यूपी के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राजीव प्रताप सिंह से भी खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अमित दुबे ने। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री राजीव कुमार सिंह हमारे साथ हैं। सर, आज सीएम अखिलेश यादव का बर्थडे है, क्या कुछ कहेंगे? अपनी दरियाबाद विधानसभा की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं
और उनके जैसा नेता हम लोगों को मिला है और वो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को विकास पे पथ पे बढ़ा रहे हैं, ये पुनः एक बार उनको हम बधाई देते हैं उनके जन्मदिन पे। कुछ दिन पहले सीएम का बयान आया कि जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो थाने की नेता नगरी छोड़ दे, यानी थाने की, क्या लगता है आपको इस बार कार्यकर्ता उन्हें ये गिफ्ट दे पाएंगे? देखिए, थाने की कोई नेतागिरी नहीं होती है और ये मुख्यमंत्री जी ने ये जरूर कहा है कि थाने से दूर रहें। थाने से हम दूर रहते हैं हम लोग, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमें बात करनी पड़ती है, कार्यकर्ताओं की बात सुननी पड़ती है। ये तो ये थे यूपी सरकार के मंत्री राजीव कुमार सिंह, जिन्होंने साफ किया कि यूपी में लगातार विकास जो है चल रहा है और जैसा कि आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है और कार्यकर्ताओं से जो उन्होंने अपील किए, क्या कार्यकर्ता ये गिफ्ट अपने सीएम को दे पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। यशवीर सिंह जी, यही सवाल मेरा आपसे है क्योंकि बेहद कम देखा जाता है कि किसी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता को लेकर खुश होते हैं, लेकिन आज के जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है और नेताओं में भी इस तरीके से खुशी देखी जा रही है, कहना ये गलत नहीं होगा कि जिस पार्टी के नेता को लेकर इतनी खुशी है वो पार्टी काफी आगे तक जाएगी, क्योंकि जैसा कि मेरी सहयोगी ऐश्वर्या ने भी कहा क्योंकि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से ही होकर गुजरता है और यहाँ पर आपने देखा भी होगा लोकसभा चुनाव होने से पहले ऐसा माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश से ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। युवा होने को उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है, चूंकि देश का आबादी भी 50% से ज़्यादा युवा है और कार्यकर्ता भी बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ युवा जुड़ा हुआ है, और जब साइकिल रैली निकाली थी अखिलेश जी ने, प्रदेश भर का युवा उनके साथ साइकिल लेके चला, हर जिले में, हर कस्बे में, हर शहर में, तो उस वक्त लगता था जैसे प्रदेश का सारा युवा सड़क पर अखिलेश जी के साथ आ गया। और यही नहीं, ये हकीकत है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो ये असेसमेंट कोई गलत नहीं था, क्योंकि कंटेंडर जो उस वक्त थे वो उत्तर प्रदेश से ही थे कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो राहुल गांधी बनेंगे, बीजेपी की सरकार आती है, चूंकि वो भी मोदी जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे थे, और जो तीसरा खेमा बनने का उस वक्त था कि मोर्चा बनेगा उसके नेता मुलायम सिंह जी होंगे जी। ये विचार भी उस वक्त उभर करके आया था और वो भी उत्तर प्रदेश से बनेंगे, तो उत्तर प्रदेश आज भी हिंदुस्तान में राजनीति में अपना एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चूंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, और ये हम सब लोगों का सपना है कि माननीय नेताजी प्रधानमंत्री बने, अखिलेश जी उनको मजबूती के साथ कंधा दें जी। उनको प्रधानमंत्री बनाने में, और हो सकता है ये सपना आगे आने वाले वक्त में पूरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं माननीय अखिलेश जी को, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं युवा होने का, एनर्जेटिक होने का और एक हसमुख नेता होने का, जो नेता का सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है मिलनसार और हसमुख, मैं देखता हूँ जनता दरबार में आज भी वो 6-6 घंटे खड़े होकर लोगों से मिलते हैं, शायद कोई मुख्यमंत्री इस तरह से मिलता हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी मैं मानता हूँ। जिस तरह से 3 साल में उन्होंने रोड मैप बना करके पहले दिन से उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य शुरू किए, वो एक और उनको बहुत आगे ले जाने का उसमें कार्य किया, ज्यादातर प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है और पूरे होने वाले हैं, उससे प्रदेश का विकास होगा। आज भी जो एसोचम ने रिपोर्ट दी है कि ग्रोथ हमारी 8% से ज्यादा है, 8% ग्रोथ बहुत बड़ी चीज मैं मानता हूँ बुरे वक्त में, चूंकि मौसम खराब रहा बिल्कुल और चीनी का बुरी हालत रही, वरना तो प्रदेश की मैं समझता हूँ ग्रोथ हमारी 9% से ज्यादा। एक फाइनल कमेंट संजय शर्मा से भी मैं पूछना चाहूंगी। संजय शर्मा जी, उपलब्धियों की बात हमने कर ली यहाँ पर, लेकिन युवा मुख्यमंत्री है, युवा सोच है, जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो कई योज,
योजनाएं लाई गई और चुनौतियां भी कई थी, क्योंकि चुनौतियों की हमने शायद यहाँ पर बात नहीं की, बात नहीं की है। लेकिन अंजलि, यहाँ पर हम संजय जी से पहले शिव प्रताप जी से इतना जरूर पूछना चाहेंगे कि जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने थे तब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि वो जल्द ऐसा सपना देखना चाहते हैं, ऐसा सपना साकार होते हुए देखना चाहते हैं कि जब वो पीएम बने और मुख्यमंत्री सीएम, तो अखिलेश यादव सीएम, तो ये सपना कब पूरा होने वाला है? शिव प्रताप जी से मैं जवाब लेना चाहूंगी। 2019 में पूरा होगा जी, और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता जाता है दिल्ली का जी, और निश्चित तौर पर 2019 में दिल्ली उत्तर प्रदेश से रास्ता जाएगा और नेताजी साइकिल पे सवार होकर दिल्ली के लाल किले पे संजय जी। संजय शर्मा जी, आपका जवाब, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है भारत में तमाम राज्यों की राजनीति से अलग होती है, लेकिन यहाँ पर चुनौतियां भी कई हैं, ये पूरा भारत जानता है। जी, निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था की है मुख्यमंत्री के सामने, और पिछले दिनों में वो इससे जूझ भी रहे हैं और चाह भी रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक रहे, क्योंकि विकास की आप जितनी भी बड़ी योजनाएं बनाते हैं कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं पर सवाल खड़ा करते हैं। मुझे खुशी है कि इस दिशा में उन्होंने चिंतन मनन करना शुरू किया है। अब डीजीपी चेंज हुए हैं, वो चाह रहे हैं एक नया सिस्टम डेवलप हो, और नए सिस्टम में वो एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा यूज करना जा रहे हैं, वो एक सोशल हब बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनौती में अगर वो कामयाब हो जाएंगे तो 2017 में एक बार फिर उनको कुर्सी हासिल हो जाएगी। हालांकि वो इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार मेहनत कर रहे हैं, संवाद बना रहे हैं, फेसबुक पे अवेलेबल है, ट्विटर पे अवेलेबल है, और चाह रहे हैं कि वो जनता उनको संदेश दे कि उसको परेशानी किया है। अगर वो इस चुनौती के पार पा पाए तो एक नई कुर्सी, एक नई दिशा उनका फिर तैयार करेंगे। जी बिल्कुल, तो आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन है और इस मौके पर शिवपाल यादव के अलावा कई और मंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं ने उनको शुभकामना दी है। आइए आपको भी दिखाते हैं। चलिए, उसके लिए बधाई, आशीर्वाद, आशीर्वाद दे सकते हैं, छोटे हैं, हाँ, बंदीजे हैं, तो उनको आशीर्वाद। पूरा प्रदेश और देश उनको बधाई दे रहा है उनकी कामयाबी और वो जो कार्य कर रहे हैं उसका, पूरे जो हिंदुस्तान के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग उस पर गौरव महसूस करते हैं। विपना बधाइयों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई जन्मदिन की, और हम उम्मीद करते हैं कि वो दिन बहुत करीब आएगा जब हिंदुस्तान की ऊंचाइयों तक पहुंचने का आज जो स्तर है वो निश्चित ही आने वाले वक्त में। हिंदुस्तान के इकलौते मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़े सूबे के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, जिन्होंने इतनी सादगी से अपना जन्मदिन मनाया है, ये पूरे देश के लिए संदेश है, और उन्होंने काम करके संदेश दिया है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। हम विकास के रूप में, उनके एजेंडे के रूप में यूनियन ने इतना काम किया, पर्यावरण पर काम किया, शिक्षा पर काम किया, स्वास्थ्य के काम किया। हम बार बार कहते हैं कि देश को दो भागों में बांट दीजिए, एक मुख्यमंत्री जी का काम कार्यकाल और एक पूरे देश जब से आजाद हुआ तब का। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है तो इनके कार्यकाल में, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। तो सपा सरकार के 3 साल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद को विकास पुरुष के रूप में याद किए जाने के लिए पूरी जमीन तैयार कर दी है, और आज यही वजह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अगर बधाइयों की बात की जाए, हर तरफ से उनके लिए बधाई आ रही है। उत्तर प्रदेश का हर निवासी, हर बच्चा, हर महिला उनको अपने अपने तरीके से बधाइयां दे रहा है। इसी के साथ हम भी अपने कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और शुक्रिया करना चाहेंगे अपने तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़े। यशवीर सिंह जी हमारे स्टूडियो में आए, नोएडा स्टूडियो में, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा शिव प्रताप यादव और संजय शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। दिग्विजय सिंह के अचानक सीने में दर्द होने लगा। उन्होंने पास बैठी अपनी पत्नी से कहा, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस के लिए फोन मिलाओ। पत्नी ने कहा, ठीक है, आप अपने मोबाइल का पासवर्ड तो बताओ। इस पर दिग्विजय सिंह बोले, अब रहने दो, थोड़ा ठीक लग रहा है, सोचता हूँ शाम को खुद ही डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। एक बार शेर खां को मुगलों ने पकड़ लिया और उसे अकबर के पास ले गए। अकबर ने कहा, इसको बंदी बना दिया जाए। शेर खान ने अकबर से रहम की भीख मांगते हुए कहा, नहीं नहीं जहांपनाह, रहम करो, मुझे बंदा ही रहने दो।
नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप ही के अपने खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी पर, जहां पर हम सीधे बात करते हैं वैदिक उपचार के बारे में। वैदिक उपचार जिसका ट्रायल पैक बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए का दिया जा रहा है आप लोगों को। इस ट्रायल पैक का सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो लोग क्यों पीछे हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि एक बार हमारे बंसल जी से बात हो जाए, उसके बाद हम ये ट्रायल पैक ऑर्डर कर लें। बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काम दवा